Can the human brain run a 30-watt light bulb with its own energy? So let's talk about this topic. आप अपने सर में 3 पाउंड का मवाद रखते हैं जो आपके करने वाली हर काम को कंट्रोल में रखता है, हर एक पलक झपक और दिल की धड़कनों को कंट्रोल में रखता है, सोचने समझने सीखने या फिर जज्बात को महसूस करने के काबिल बनाता है। ये हैरत अंगेज कंट्रोल सेंटर दिमाग है। दिमाग दुनिया की मुश्किल तरीन दरियाफ्त है जिसको पूरी तरह समझना कुछ मुश्किल होता है। आजकल की दरियाफ्तों में से ये बात सामने आई है कि इंसानी दिमाग इतनी एनर्जी पैदा कर सकता है कि एक 30 वाट का बल्ब रोशन हो जाए। एक नौजवान शख्स का जिस्म 100 वाट एनर्जी खर्च करता है और ह्यूमन ब्रेन उसका 20%। यानी कि सिर्फ इंसानी दिमाग की मदद से 30 वाट का बल्ब रोशन हो सकता है। जब इंसान जाग रहा होता है तो इंसानी दिमाग 10 से 30 वाट तक की बिजली छोड़ता है, जो कि एक बिजली के बल्ब को रोशन करने की सलाहियत रखती है। इंसानी दिमाग में 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, जो कि माइक्रोस्कोपिक हैं। अगर आप उनको काउंट करने लगें तो आपको 3000 साल लग जाएंगे, क्योंकि इनका मिकदार तकरीबन अनकाउंटेबल है। जब आप हंसते हैं, सोचते हैं या फिर मूव करते हैं, तो उसकी वजह यह है कि इन अरबों न्यूरॉन्स में छोटे छोटे बिजली के इशारे दौड़ रहे होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस प्रोड्यूस होते हैं। दिमाग में न रुकने वाली लामहदूद एक्टिविटीज होती हैं जो कभी नहीं रुकती। न्यूरॉन्स दुनिया की तमाम फोन से ज्यादा मैसेजेस क्रिएट करते हैं और भेजते हैं। दिमाग में हर एक न्यूरॉन बिजली पैदा करता है, लेकिन एक सिंगल न्यूरॉन की बिजली पैदा करदा बहुत ही मामूली होती है। लेकिन अगर इन सारे न्यूरॉन्स की इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की पैदा करदा बिजली को मिला लें तो एक 30 वाट का बल्ब रोशन हो सकता है।